गुड मॉर्निंग उन्नाव, कैसे हो आप सभी? दोस्तों, आज हम आप लोगों को अचलगंज बाईपास पे लेकर चलने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो शुरू करने से पहले इनसे मिलिए। ये हैं अखिलेश भाई का चैनल AK ब्लॉग्स। इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट दिखाइए, क्योंकि ये भी उन्नाव से हैं और अच्छे अच्छे वीडियो शूट करते हैं। इनके चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से सपोर्ट कीजिए इनको। शायद और आप देख रहे हैं AK ब्लॉगर यूट्यूब चैनल। तो आप लोगों को बता दूं कि मैं जो गांव आया था, आप लोगों को बताया था पिछले वीडियो में कि मैं गांव प्रैक्टिकल लेने के लिए आया था, कॉलेज में था। तो वो तो भाई के चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से एक बार चेकआउट जरूर करना। अभी हम लोग हैं तिराहे पे। जो भी उन्नाव से ये वीडियो को देख रहा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि अब ऐसे अच्छे अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप लोग उन्नाव से लखनऊ जाना चाहते हो तो लखनऊ 60 किलोमीटर बचता है यहाँ से। अगर कानपुर की ओर जाना चाहते हो तो कानपुर 27 किलोमीटर बचता है। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में एक चैनल की लिंक है, अगर आप लोग स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे हो तो आप लोगों को पता है क्या करना है। अगर नहीं पता है तो मैं फिर से बता रहा हूँ। भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए, क्योंकि वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं वीडियो बनाने में, तो उनको भी सपोर्ट कीजिए आप लोग। दोस्तों, वो सामने जो दिख रहा है एक बड़ा सा गेट, वो है अचलगंज बाईपास। उसका दूसरा नाम है कदनखेड़ बाईपास। तो फाइनली हम लोग अचलगंज बाईपास पे पहुंच चुके हैं। ये सामने देख सकते हो, ये बड़ा सा गेट अचलगंज बाईपास ही कहलाता है। अगर आप लोग कभी यहाँ आते हो तो एक बार नज़ारा देखना, बहुत अच्छा नज़ारा लगता है। आप यहाँ पे कभी आए हो या नहीं, इस वीडियो में कमेंट जरूर करना। उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।